तो हाय गाइज, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हो? मैं ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो बहुत सारे भाई कमेंट करते रहते हैं, बेंगलोर में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब चाहिए, बेंगलोर में सिक्योरिटी गार्ड का जॉब चाहिए, और कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड का जॉब चाहिए। जैसे कि मैं कई सारे वीडियो में बताता हूँ आप लोगों को, मोबाइल कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी या किसी भी कंपनी में सिलेक्शन पाना है तो आप लोग गेट पर विजिट करिए। उसी तरह से भाई सिक्योरिटी गार्ड का भी आप लोगों को जॉब पाना है तो आप लोगों को ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। जो भी सिक्योरिटी गार्ड का आप लोग खुद सर्च मार सकते हैं कौन सिक्योरिटी सबसे अच्छा है, किस सिक्योरिटी में लगेंगे तो सब अच्छा करियर रहेगा। तो वो आप लोग जो है नेट पर सर्च मार सकते हैं, और भाई नेट पर सर्च मारने के बाद आप लोगों को जब पता चल जाए सिक्योरिटी कौन अच्छा है, तो वैसे मेरे हिसाब से अगर भाई अभी इंडिया में पूरा ऑल इंडिया चल रहा है भाई, ऑल इंडिया उसके बाद ऑल वर्ल्ड में भी इनका जो है कारोबार मतलब फैल चुका है, जो कि सबसे पहले तो वही SIS आता है जो कि अभी सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है, और सबसे पुराना नाम जाइएगा तो G4S आता है। तो ये सिक्योरिटी में आप लगते हैं तो ये भाई इसका जो है करियर आप लोगों को अच्छा तक लेके जाएगा। वैसे ये नहीं है कि सिक्योरिटी में लगेगा तो सैलरी अच्छा भी मिल जाएगा, और सारी बहुत सारी सिक्योरिटी हैं कि इससे ज़्यादा भी सैलरी आप लोगों को रिसीव हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सैलरी के व्यू से कुछ अच्छा हो, तो भाई अभी तक मतलब आप लोग अगर सर्च मारते हैं तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो है SIS सिक्योरिटी में मिल जाएगा, और सबसे ज्यादा जगह जो है कारोबार मतलब सबसे ज्यादा स्थान पे जैसे इंडिया में तो है ही, इंडिया के बाद ऑस्ट्रेलिया इस कंट्री में भी SIS का सिक्योरिटी अभी अपना ड्यूटी कर रहा है। तो इसलिए जो है मैं SIS का पहले नाम लिया। SIS का के बारे में बहुत सारे भाई मेरा अगर जाते हैं चैनल पे एक नहीं कई सारे वीडियो मिल जाएगा, और वीडियो कमेंट भी मिल जाएगा कि SIS जो है फ्रॉड है, SIS 8,000 रुपया ले लेता है। तो जो भाई के पास रुपया नहीं है वो दूसरा सिक्योरिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे कुछ भी रुपया नहीं लेता है, जैसे G4S में जो है ये जो है सबसे पुराना SIS से भी पुराना सिक्योरिटी है G4S, लेकिन इसमें जो है रुपया आप लोगों को ज़्यादा नहीं लिया जाएगा, 1,000 से 2,000 रुपया लिया जाएगा। अब SIS में भी सुविधा कर दिया कि आप लोग जाते हैं तो आप लोगों को 8,000 रुपया लगेगा ही, बस आप लोग के पास रुपया अगर नहीं है तो मंथली रुपया कटेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में जो है नहीं SIS का चर्चा करने वाला हूँ, इस वीडियो में मोनली जो है G4S का चर्चा करने वाला हूँ। तो G4S में जॉब कैसे होता है, तो भाई किसी भी सिक्योरिटी में आप जाते हैं तो सेम जो है इसी प्रकार से आप लोगों का सिलेक्शन होगा। तो मैं होगा तो और कई सारे सिक्योरिटी ऑफिस विजिट किया था, तो मैं सबका स्पेशल वीडियो आप लोगों को बना के पब्लिश करते रहूँगा। तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आप लोग जो है जरूर ये वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिससे कि आप लोग सिक्योरिटी गार्ड कैसे ज्वाइन कर पाइएगा। तो चलिए ऐसे G4S का मैं चर्चा कर दिया कि G4S अगर लगते हैं तो भाई ऑल इंडिया पूरा जो है इसका ड्यूटी चलता है, तो ऑल इंडिया में कहीं पे आप लग सकते हैं। ये नहीं है कि आप जो है G4S यहाँ बेंगलोर में ज्वाइन कर लिए जाके दिल्ली में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोग यहाँ रियन मार के जो है दिल्ली में जाके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी सब कुछ डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। पहले तो आप लोगों को मैं बता दिया भाई, कोई भी कंपनी हो या सिक्योरिटी गार्ड हो कहीं पे हो तो आप उसके जो है सेंटर में विजिट करना पड़ेगा। जैसे आप लोग बेंगलोर में चाहते हैं जो बेंगलोर आइए, और बेंगलोर में जो है G4S सिक्योरिटी का ऑफिस कई सारे ऑफिस है, तो आप लोग कोई ऑफिस का सर्च मारिए। वही जो मैं फिलहाल बता रहा हूँ उनका लोकेशन भी आप लोगों को शेयर करने वाला हूँ, और वो ऑफिस तक कैसे पहुँचेगा वो भी आप लोगों को मैं सब कुछ बताऊँगा। तो फिलहाल आप लोग वीडियो में पूरा बने रहिए, वीडियो पूरा देखते रहिए। तो आप लोग जो है ये मैं अभी होसूर के सिक्योरिटी गार्ड के G4S के बारे में बताने वाला हूँ। तो फिलहाल होसूर के से भी कॉन्टैक्ट है मेरा, उसके बाद कर्नाटक इलेक्ट्रॉनिक सिटी में जो ऑफिस है उनसे भी कॉन्टैक्ट है, तो आप लोग कहीं भी विजिट कर सकते हैं। तो फिलहाल होसूर में जो है होसूर का मैं चर्चा कर रहा हूँ, सिक्योरिटी गार्ड, लेडी गार्ड मतलब गन गार्ड। तो G4S में भाई सभी प्रकार के गार्ड होते हैं, कई प्रकार के गार्ड होते हैं। आप लोग एक बात और सुन, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ, जिस दिन आप सिक्योरिटी गार्ड अभी फिलहाल जो वैकेंसी के बारे में अपडेट कर रहा हूँ तो हो सकता है ये वैकेंसी क्लोज हो गया हो, ये वैकेंसी अभी नहीं हो, आप लोग ऑफिस विजिट करिएगा तो भाई वैकेंसी लगभग में 100% वैकेंसी रहेगा। लेकिन जिस तरह से मैं अभी चर्चा करने वाला हूँ 8 घंटे ड्यूटी का, ये हो सकता है नहीं हो, और ये 8 घंटे की जगह जो है आप लोग 12 घंटे हो सकते हैं, या सैलरी इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, सैलरी इससे कम भी हो सकते हैं। तो भाई सिक्योरिटी में जो भी वैकेंसी होता है वो जो है अलग अलग लोकेशन पर निर्भर करता है। आप लोग किसी लोकेशन पर जो है आराम ड्यूटी मिल जाता है तो सैलरी कम मिल जाएगा, वहीं हार्ड ड्यूटी मिल जाता है तो सैलरी ज़्यादा मिल जाता है। आप किसी भी सिक्योरिटी में लगते हैं तो यही प्रोसेस रहता है, G4S लगिए, SIS लगिए, CSS लगिए, जो भी सिक्योरिटी लगी है यही प्रोसेस रहता है। आप लोग अगर ड्यूटी हार्ड करते हैं तो सैलरी अच्छा मिलेगा, और सैलरी ड्यूटी अगर नॉर्मल करते हैं तो सैलरी कम मिलेगा। तो चलिए अभी फिलहाल मैं रिक्वायरमेंट जो रिक्वायरमेंट का चर्चा करने वाला हूँ तो वो आप लोग पहले सुन लीजिए। क्वालिफिकेशन भाई इसमें जो है अगर G4S में लगना चाहते हैं, कहीं पर लगना चाहते हैं, ऑल इंडिया कहीं भी लगना चाहते हैं, कहीं पर लगना चाहते हैं तो 10th पास ही रखा गया, 10th पास above, तो आप लोग 10th पास चाहिए ही। जो भी भाई 10th पास हैं वो G4S के लिए एलिजिबल हैं, G4S ज्वाइन कर सकते हैं। एज लिमिट जो है 18 से 30 इयर्स तक रखा गया है, G4S जो ज्वाइन करना चाहते हैं 18 से 30 इयर्स रखा गया है। और भाई मैं बता दूं, इससे पहले मैं वीडियो जो है पब्लिश किया G4S के बारे में वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसमें बहुत सारे भाई कमेंट किए थे कि एज लिमिट, तो 18 से 30 जो नोटिस जारी हुआ है 18 से 30 तक एज लिमिट रखा गया है, और हो सकता है दूसरा लोकेशन के लिए एज कुछ बढ़ाया कम हो सकता है।
तो ये फिलहाल जो कंपनी का निकला हुआ है, तो कंपनी टाइटन कंपनी का जो वैकेंसी अभी जीफोरेस के थ्रू निकला हुआ है, तो टाइटन कंपनी में भी जो सिक्योरिटी आप लोग जाते हैं तो टाइटन कंपनी में जीफोरेस सिक्योरिटी बन के जो है अपना ड्यूटी निर्भर कर सकते हैं। तो चलिए रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट जो है आप लोगों को मार्कशीट लगेगा, मार्कशीट उसके बाद PC, आधार कार्ड, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, पुलिस वेरिफिकेशन और पासबुक, ये सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए ही। और चलिए सैलरी, मैं सैलरी का डिस्कस कर दे रहा हूँ। सैलरी जो भी है सिक्योरिटी गार्ड लेडी गार्ड, अगर लेडी भी हैं मतलब फीमेल का वैकेंसी है मेल का वैकेंसी है, दोनों का सैलरी आप लोगों को बन जाएगा 17,500। तो ड्यूटी आवर 8 आवर्स मतलब 8 घंटे का आप लोगों को 17,500 ये होसूर में मिलने वाला है। होसूर भाई तमिलनाडु में पड़ता है, फिलहाल बेंगलोर के बॉर्डर पे है, आप लोग हम लोग कर्नाटका के बॉर्डर पे हैं, बेंगलोर आते हैं तो बेंगलोर से लगभग जो है 60-70 किलोमीटर की दूरी पर, बेंगलोर से लगभग में 60 किलोमीटर दूरी आप लोग तय करना पड़ेगा, उसके बाद होसूर आएगा। होसूर में ये ऑफिस है, होसूर में जो है भाई ऑफिस, इसका मैं लोकेशन भी आप लोगों को मैं शेयर करने वाला हूँ। आप लोग वहाँ आते हैं जीफोरेस मतलब सर्च मारते हैं तो लोकेशन कहीं और का दिखाता है, क्योंकि मैं जब जीफोरेस ऑफिस विजिट किया था तो थोड़ा भटक गया था, तो आप लोग जो है ये लोकेशन जो मैं अभी बता रहा हूँ वो लोकेशन आप लोग सर्च मारिएगा। तो इसमें फैसिलिटी भी बता दे रहा हूँ, फैसिलिटी बेनिफिट ESI मिलेगा, PF मिलेगा, बोनस भी मिलेगा, गार्ड मतलब इंश्योरेंस मिलेगा, वीकअप ऑफ मिलेगा मतलब 26 ड्यूटी है, उसके बाद लीव भी मिलेगा, एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, उसके बाद 3 टाइम फूड एंड मतलब भाई 3 टाइम फूड आप लोगों को फ्री मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, 3 टाइम फूड भी मिलेगा। तो चलिए यूनिफॉर्म भी मिलेगा, और यूनिफॉर्म का जो है आप लोगों को चार्ज कुछ इसमें जो है 1,000 से 2,000 रुपया लेगा, अगर आप लोग पास नहीं है तो आप लोगों को सैलरी से कट होगा। तो कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोगों को G4S सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आप लोगों को मैं अभी एड्रेस पूरा फुल एड्रेस बताने वाला हूँ, आप लोग जो ये एड्रेस सर्च मारिएगा, B66 सिप कोड हाउसिंग कॉलोनी मतलब दरगाह फेज 2 होसूर मतलब पिन कोड में 63-51-26 पिन कोड रहा। और भाई सर्च यहाँ पे जो है आप लोग होसूर सीधे डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट G4S सिक्योरिटी मारते हैं सर तो मतलब वहीं पे लगभग जो 1 किलोमीटर आगे लोकेशन दिखाता है, तो वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पे कोई सिक्योरिटी ऑफिस नहीं मिलेगा, उनसे पीछे ही है। तो दरगाह में आप उतरते हैं, अगर ये सिक्योरिटी गार्ड ऑफिस सर्च मारते हैं तो आप लोग फर्स्ट जो रास्ता मिलता है, फर्स्ट रास्ता में ये सिक्योरिटी ऑफिस है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ बहुत ज़्यादा भटक गया, तो मतलब G4S खोजने के चक्कर में 10+ जो है सिक्योरिटी ऑफिस मिल गया लेकिन G4S नहीं मिला। लेकिन बाद में जो है मैं वहाँ से पूछा, कोई गार्ड से पूछा तो वो बताया सही एड्रेस और मैं यहाँ तक पहुँचा। तो आप लोग जो है सर्च में फिर से मैं बता रहा हूँ, जो कि B66 सिप कोड हाउसिंग कॉलोनी दरगाह फेज 2 आप लोगों को सर्च मारना, और इस एड्रेस पर पहुँच के जो है ये ऑफिस जाइएगा, आप लोगों को जॉब इजी से मिल जाएगा, 100% जॉब मिल जाएगा। ये नहीं कि टाइटन कंपनी का वैकेंसी चल रहा है तो टाइटन में ही मिलेगा, हो सकता है दूसरा कंपनी वैकेंसी हो रहा हो तो दूसरा कंपनी आप लोगों को मिलेगा। तो कॉन्टैक्ट डिटेल भी आप लोगों को भाई डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी में आप लोग जाते हैं तो कम्युनिटी में आप लोगों को कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, बस वहीं कुछ चार्जेबल रहेगा। तो कोई नहीं, चलिए ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करिएगा, मैं मिलता रहूँगा इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।